ठीक है, देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनेगा। बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इससे पहले देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना रहता था क्वेश्चन तो क्या लिखते थे, ए इक्वल टू आई ए। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है तो ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे। इसमें ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे और ए मैट्रिक्स सेम लिखा हुआ रहेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा बी मैट्रिक्स, और वह बी मैट्रिक्स क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, वन टू टू माइनस वन, और ए मैट्रिक्स सेम रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, वन जीरो जीरो वन। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले किसको क्या लिखेंगे, तो रो के लिए हम बता चुके हैं कि कैसे करना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे करना है। और कॉलम के लिए क्या करना है, कॉलम के लिए देख लेते हैं, कॉलम के लिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे करना है। अगर ऐसे इस ऑर्डर में लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ जीरो जीरो वन जीरो, तो हमारा जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा इधर आसानी से। तो सबसे पहले क्या हमको वन लाना है, वन ऑलरेडी यहाँ पे है तो उससे कोई मतलब इसमें कुछ करना है ना। अब इससे नेक्स्ट मूव करते हैं जीरो, यहाँ पे जीरो लाना है। अब यहाँ पे क्या है, टू है, तो इसको जीरो कैसे लाया जाए, अगर फर्स्ट कॉलम में रो नहीं लगाना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हाँ, और एक बात और, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन शुरू से एंड तक सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे, और अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो शुरू से एंड तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन में वही लगेगा। तो यहाँ पे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो ये वन हो चुका है, ये जीरो, अब इसको जीरो करना है टू को। तो सी टू में हम क्या कर रहे हैं, सी टू माइनस टू टाइम्स सी वन, तो अब ये क्या बन जाएगा, सी वन तो सेम रहेगा क्योंकि सी वन में ऑपरेशन हो नहीं रहा, तो टू माइनस टू ये हो जाएगा जीरो, और माइनस वन, और ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो टू टू फोर, माइनस फोर मतलब माइनस फाइव हो जाएगा ये, और इधर भी कर देते हैं ये सेम रहेगा, वन जीरो जीरो, इसमें जीरो है, जीरो माइनस टू दैट मीन्स माइनस टू, और वन माइनस, ये तो जीरो है तो माइनस वन ही रह जाएगा। अब वन हो गया, जीरो हो गया, अब इसको करना है वन, इस तरह से हमको मूव करना है, इसको करना है वन, तो इसको वन कैसे किया जाए, अगर इसमें माइनस वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दें सी टू में, सी टू इज माइनस वन बाय फाइव सी टू, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, वन टू जीरो और माइनस वन बाई फाइव इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन बन जाएगा, ए वन जीरो माइनस वन बाई फाइव ये बन जाएगा टू बाई फाइव, और ये बन जाएगा माइनस वन बाई फाइव। अब इसको करना है क्या, वन जीरो वन तो हो चुका है, अब इसको करना है जीरो, इस टू को करना है क्या जीरो, तो कैसे किया जाए, सी टू में, सी टू में क्या करें, टू मल्टीप्लाई करके सी वन में घटा देते, तो सी वन इज सी वन माइनस टू टाइम्स सी टू, तो ये तो जीरो है तो ये सेम रह जाएगा वन। अब टू माइनस टू ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो, ये वन, ये आ चुका है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए सेम रहेगा। अब वन माइनस टू इंटू टू फोर बाई फाइव, वन माइनस फोर बाई फाइव, तो फाइव माइनस फोर, तो ये हो जाएगा वन बाई फाइव। अब जीरो माइनस माइनस प्लस टू बाई फाइव, और ये सेम रहेगा टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इंटू बी मैट्रिक्स। अब ये जो बी मैट्रिक्स नया आया है वही क्या है हमारा, ए इनवर्स है, जो कि कितना है वन बाई फाइव है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, बट वो क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन था, और ये क्या है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमको इस ऐसे मूव करना है इस ऑर्डर में, इस पैटर्न में, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरह से करना है। तो यही हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स आ चुका है। अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का तो देख चुके हैं, अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है
तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखते हैं। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके थे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या लिखना है, ए इक्वल टू ए आई, ठीक है। अब आई ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आइडेंटिटी बना देंगे। ए मैट्रिक्स सेम रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स बन जाएगा, और वही बी मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा इन्वर्स होगा। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसका भी पैटर्न अभी बताते हैं कि वो था ना कि अगर तुम्हें मैट्रिक्स, अगर तुम्हें इन्वर्स का क्वेश्चन बनाना होगा तो तुम्हें इन राहों पे चलना होगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान और तुम नहीं होगे परेशान, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, क्या है, जीरो वन टू, वन टू थ्री, थ्री वन वन। ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का क्या होता है, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर का क्या है भाई, राह वन जीरो जीरो, इसको लाना है जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। अब इसमें क्या है, रो का बता, पहले एक बार रो का फिर से यहाँ पे बता देते हैं। रो का क्या था, पहले ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, इस तरह से था। अब कॉलम का क्या हो जाएगा, सेम होगा, पहले ये करके दिखाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब ये करके दिखाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ। तो ये किसका हो गया, कॉलम का। ये डायरेक्शन देते हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न में चलेंगे तो हमारा थर्ड ऑर्डर का हो या सेकेंड ऑर्डर का हो, मतलब थर्ड ऑर्डर के लिए ऐसे करना, सेकेंड ऑर्डर के लिए ऐसे करना, तो क्वेश्चन लेंदी जाएगा। इनवर्स थर्ड ऑर्डर का है तो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, बट क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, नो डाउट। ये यही पैटर्न में चलते जाना है। तो सबसे पहले हमको इसको करना है, तो इसको कितना करना है वन, और इसको कितना करना है जीरो। तो देख रहे हैं इसको एक्सचेंज करने पे हो जाएगा। तो सी वन एक्सचेंज कर रहे हैं सी टू से, तो सी वन एक्सचेंज कर रहे हैं सी टू से, तो वन टू वन जीरो वन थ्री टू थ्री वन हो गया, इक्वल टू ए मैट्रिक्स ऐसे लिख देंगे, वन जीरो वन जीरो, ठीक है। अब ये हो गया, अब वन जीरो तो आ चुका है, अब उसके बाद हमको इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो कैसे किया जाए, इसको जीरो कैसे किया जाए, सोचो। अगर इसमें टू मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो सी थ्री इज सी थ्री माइनस टू टाइम्स सी वन, सी वन सेम रहेगा वन टू वन, सी टू सेम रहेगा जीरो वन थ्री। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। टू माइनस टू ये हो जाएगा जीरो। अब थ्री माइनस फोर, माइनस वन वन, माइनस टू माइनस वन, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, सॉरी, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस फोर माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। अब ए मैट्रिक्स जीरो, सी थ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं, सी वन सी टू सेम रहेगा, वन जीरो 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 माइनस, ये तो जीरो ही रहेगा, जीरो और माइनस टू ये हो जाएगा माइनस टू वन, और ये जीरो है तो ये वन ही रहेगा। अब ये हो गया, अब क्या करना है, वन जीरो जीरो, अब इसको करना है वन, तो ये वन ऑलरेडी है, अब इसको करना है यहाँ से यहाँ जाना है, पहले ये फिर ये करके दिखाओ जीरो, तब इसको माइनस वन को करना है हमको जीरो। तो इसको जीरो कैसे किया जाए, अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये जीरो बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो सी थ्री इज सी थ्री प्लस सी टू, यहाँ लिख लेते हैं सी थ्री, तो सी वन सी टू सेम रहेगा, वन टू वन जीरो वन थ्री, ये जीरो, ये ऐड होके हो गया जीरो, और ये हो गया टू, सी वन सी टू सेम रहेगा, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो प्लस वन माइनस टू वन, ठीक, ये तो ठीक है। अब वन जीरो जीरो, वन जीरो हो गया, अब इसको करना है वन, इसको करना है वन, तो इसको वन कैसे किया जाए देखते हैं। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वन हो जाएगा, बट यहाँ से फिर ये सब मतलब सेव नहीं रह पाएगा, बदल जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें, मतलब ऑपरेशन करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं
उससे क्या कोई दूसरा एलिमेंट पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर ऐसा हो तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं इसमें, सी थ्री है ना, सी थ्री इज वन बाई टू सी थ्री। इससे करने से क्या होगा कि टू टू कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं, वन टू वन जीरो, वन थ्री जीरो जीरो वन, ये तो ठीक है। अब ये करके दिखाओ, जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, वन बाई टू माइनस वन, और ये हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है भाई, ये करके दिखा दीजिए, ये भी ये भी ये भी ये करके दिखाओ। और उसके बाद जीरो करना हमको, इसको करना क्या जीरो, तो इसको जीरो कैसे किया जाए अगर इसको, हाँ सही है, इस ये जीरो जीरो है, इसमें थ्री मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते दे। तो सी टू इज सी टू माइनस थ्री टाइम्स सी थ्री, तो वन टू वन जीरो वन, अब थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो, जीरो जीरो वन इक्वल टू ए, अब जीरो वन जीरो वन और माइनस थ्री, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री बाई टू, टू माइनस थ्री माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री, जीरो प्लस थ्री हो जाएगा थ्री, अब जीरो माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन, और वन बाई टू ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है देखते हैं। अब इसके बाद ये जीरो हो चुका है, ये अब इसको जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। तो इसको जीरो कैसे करें, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट, हाँ सही है, सी थ्री में इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब सी वन इज सी वन माइनस सी थ्री, इसको यहाँ पर वन टू जीरो जीरो वन जीरो 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 वन इक्वल टू ए, जीरो माइनस वन वाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन वाई टू, वन प्लस वन ये हो जाएगा टू, जीरो माइनस वन वाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन वाई टू, सही है। अब बाकी सब सेम हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, वन वाई टू माइनस वन वन वाई टू। ठीक है, अब बस लास्ट बचा हुआ इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो कैसे किया जाए, सी वन इज सी वन माइनस टू टाइम्स सी टू, अब ये जीरो हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई होगा इसमें और ये जीरो हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जीरो जीरो रहने के कारण ये दूसरा एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वन माइनस जीरो जीरो हो गया, टू माइनस टू जीरो, ये तो ऑलरेडी वन था, वन माइनस जीरो वन, टू माइनस टू जीरो, ये है जीरो, जीरो वन जीरो 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 वन। ठीक है, अब माइनस वन बाई टू और माइनस माइनस प्लस टू इंटू वन बाई टू, दैट मीन्स वन, वन माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है, अब टू माइनस सिक्स माइनस फोर, अब माइनस वन बाई टू और माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू टू इंटू थ्री बाई टू, तो थ्री माइनस वन बाई टू, तो माइनस थ्री टू या सिक्स, फाइव बाई टू, ये हो जाएगा फाइव बाई टू। अब बाकी सारा सेम रह जाएगा, वन बाई टू थ्री माइनस थ्री बाई टू, वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे ये एम ए बी मैट्रिक्स। अब जो हमारा ये बी मैट्रिक्स है वही क्या, हमारा एक इन्वर्स है। तो बी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया, वन बाई टू। फाइनल आंसर लिख देते हैं, वन बाई टू फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू वन बाई टू। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि सब सारा टॉपिक मैट्रिक्स का ख़त्म हो चुका। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है, मैट्रिक्स ख़त्म होता है। अब मैट्रिक्स ख़त्म हो चुका है, इसका टोटल चार लेक्चर हुआ है, लेक्चर वन टू थ्री फोर सब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप देखिए, आपको नो डाउट ये टॉपिक देखने, ये लेक्चर देखने के बाद आप इन्वर्स में कभी भी नहीं फंसोगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो नो डाउट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आप
अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के मंदिर को सब्सक्राइब कर दें और मंदिर का घंटी बिल्कुल बजा दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।